हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम मोस्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है स्लीप, नींद। दुनिया में काफ़ी लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, नींद न आना। कुछ लोगों को नींद आती ही नहीं, कुछ लोगों को नींद आती है मगर जल्दी खुल जाती है, या कुछ लोगों को ब्रेक ब्रेक में नींद आने की समस्या होती है। तो क्यों नहीं आती है नींद, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्रेशन, टेंशन की। काफ़ी यंगस्टर एंड एडल्ट्स में डिप्रेशन, टेंशन की ज़्यादा वजह होती है नींद न आने की। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डिप्रेशन या टेंशन की वजह से ज़्यादा सोते हैं, ताकि उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाए। फिर सब्सटेंस अब्यूज़। तो ये सब्सटेंस अब्यूज़ क्या है? जैसे काफ़ी लोगों की हैबिट हो जाती है अल्कोहल लेने की, स्मोकिंग करने की, या किसी भी चीज़ का नशा करने की। अगर ऐसा कोई लिमिट के बाहर नशा करता है, जिस वजह से ये नशा उनके माइंड या बॉडी पे अफेक्ट करता है, इससे भी काफ़ी लोगों को नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। देन देखते हैं स्ट्रेस। आजकल काफ़ी लोगों में ये स्ट्रेस का प्रॉब्लम देखने मिलता है। बच्चों से लेके ओल्ड एज तक सारे लोगों को स्ट्रेस होता है। किसी का कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है। ये सारा स्ट्रेस डायरेक्टली आपके नींद पे अफेक्ट करता है, जिस वजह से कई लोग रात में सो नहीं पाते। नींद न आने का कारण परफॉर्मेंस एंजाइटी भी होता है। इट मींस जैसे किसी का कल एग्ज़ाम है, उसके एंजाइटी की वजह से उसे नींद नहीं आएगी, थोड़ा स्ट्रेस फील होगा, या किसी का इंटरव्यू है या किसी का मैच है। इस टाइप की एंजाइटी की वजह से भी काफ़ी लोगों को नींद नहीं आती। शॉर्ट में बताए तो ओवर यूज़ ऑफ डिजिटल स्क्रीन्स, मोबाइल, जैसे बेड पे जाने के बाद भी कई लोग लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल स्क्रीन के रेस से आंखों पे काफ़ी इफेक्ट होता है, उस वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती है। और ईटिंग टू मच लेट इन द इवनिंग, काफ़ी लोग लेट नाइट तक खाना खाते हैं, इससे उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, इस वजह से भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। चलो देखते हैं नींद पूरी नहीं होगी तो इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले इसका इफेक्ट माइंड पे होता है। अगर माइंड ही डिस्टर्ब रहेगा तो कोई भी काम परफेक्टली नहीं होगा, इससे चिड़चिड़ापन होता है। देन इसका इफेक्ट स्किन पे भी होता है, जैसे आइज के डार्क सर्कल और किसी किसी के फेस पे पिंपल्स भी दिखाई देते हैं। ये तो हो गई कॉमन प्रॉब्लम्स, बट हम बॉडी के अंदर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है ये देखते हैं। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और उनकी नींद पूरी नहीं होती, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही नींद का इफेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है, उससे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्लीप डिस्टर्बेंस से इंसोमनिया, स्लीप एपनिया, नॉर्कोलेप्सी, हाइपरसोमनिया, स्लीपिंग सिकनेस, इस टाइप के डिजीज हो सकते हैं। तो इसको क्योर कैसे करें या सॉल्व कैसे करें? जैसे कि काफ़ी लोगों से हम सुनते हैं, लोग नींद आने के लिए स्लीपिंग पिल्स यूज़ करते हैं, उससे उनका प्रॉब्लम टेम्प्ररी सॉल्व हो सकता है। बट ये पिल्स आप जब तक कंटिन्यू करोगे तब तक ही नींद का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हम इसे नेचुरली भी क्योर कर सकते हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सारे डायरेक्टली आपके स्ट्रेस पे वर्क करते हैं। योगा करने से स्ट्रेस, इंसोमनिया, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को नेचुरली ठीक कर सकते हैं। ये बॉडी को रिलैक्स करता है और माइंड को शांत करता है। हम डेली 5 मिनट मेडिटेशन करके भी सारा स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं, जिससे बॉडी काफ़ी रिलैक्स होती है। एक्सरसाइज लाइक रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग, ये सब एक्टिविटीज़ आपका हार्ट रेट इंक्रीज करती है, जिससे आप स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हो और इंसोमनिया जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और इसी तरह कई नेचुरल तरीके से आप स्लीप इम्प्रूव कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें।